असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? अल्लाह पाक सबकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों ने डोमिनोज़ की गार्लिक ब्रेड तो बहुत खाई होगी। चलिए बनाते हैं सिंपल तरीके से गार्लिक ब्रेड। मैंने यहाँ पर 3 से 4 कली लहसुन की ले ली है, गार्लिक की, और इसे ग्रेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर धनिया की पत्ती यानी कोरिएंडर लीव, इसको महीन काट लेंगे बारीक। और यहाँ पर 2 टीस्पून बटर लिया है, चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सीजनिंग। यहाँ पर मेरे से ऑरिगेनो बहुत ज़्यादा गिर जाता है इसमें, लेकिन मैं बाद में निकाल दूँगी। लेकिन अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे ये रेसिपी, और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मेरे पास यहाँ पर छोटे स्लाइसेस थे ब्रेड के, मैंने वही लिए। आपके पास बड़े स्लाइसेस हों तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीमी और टेक्स्चर देने के लिए मेयोनीज़ लगा रही हूँ, और इसको अच्छे से स्प्रेड करके इसके बाद मेरे पास जो भी चीज़ है, आपके पास अमूल की कोई भी चीज़ हो, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की, कोई शेदर चीज़ हो या पिज़्ज़ा चीज़ हो, कोई भी हो, और मेरे पास ये थी क्यूब चीज़, मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से ग्रेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा दूँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। फटाफट बनने वाली रेसिपी है और रमज़ान में तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे जब ये खाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक एक ग्रेट इसके ऊपर और रख दिया है। और यहाँ पर जो मैंने गार्लिक बटर बनाया था, इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर, तीनों ग्रेट के ऊपर मैंने यहाँ पर इसी तरह से लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर पैन के ऊपर डालूँगी, और जिस साइड गार्लिक ब्रेड बटर नहीं लगा है मैं उसको अप्लाई कर दूँगी, और इसको कवर करके मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सेक लूँगी। इसको क्रंची करके रखना है, क्रंची बनाना है, तो हमें दोनों साइड से इसको अलट पलट करके सेकना होगा। और ध्यान रहे कि इसे प्रेस करके सेकें ताकि ये क्रंच हो जाए अच्छे से और इसके अंदर की चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने अगर बनाया तो आप लोगों को कैसी पसंद आई। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ तब मिलूँगी, छोटी छोटी रेसिपीज़ के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, और लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।